आज मैं बनाने वाली हूँ एक बिरयानी। इसके लिए मैं लूँगी प्याज, टमाटर, धनिया पत्ता, अदरक लहसुन का पेस्ट, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, दही, गरम मसाला पाउडर, अक्खा गरम मसाला और जीरा, पत्रज और 5 अंडे, शाही बिरयानी मसाला, चिकन मसाला और बासमती राइस। बासमती राइस 1 गिलास से 2 गिलास लिया है तो पानी इसके लिए 4 गिलास लगेगा। गैस ऑन करके कुकर रख दें, थोड़ा गर्म होने दें। अब इसमें तेल डालेंगे, 4 टेबलस्पून तेल डालें। ऐसे आप ये अगर ये बिरयानी बनाएं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्पाइसी रहता है, अच्छा लगता है खाने के लिए। अब इसमें जीरा और तेज पत्ता डालें, अक्खा गरम मसाला डालें, इसको थोड़ा चला लें। फिर इसमें कटी हुई प्याज डालें, प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। सभी मसाले को इसमें डाल देंगे, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर डाल के अच्छे से फ्राई करें, गरम मसाला पाउडर भी डालें, सबको अच्छे से फ्राई करें। इसमें थोड़ा टमाटर भी डालें, ऐड करेंगे, टमाटर को भी अच्छे से फ्राई कर लें। मसाला को अच्छे से पकने दें। मसाला फ्राई हो रहा है, इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालें। अब मसाले को अच्छे से मिला लें। जब मसाला तेल छोड़ने लगेगा तो फिर इसमें हम दही डालेंगे। मसाला तेल छोड़ दिया, अब इसमें 1 कटोरी दही डालें। दही डालने से बिरयानी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। दही को अच्छे से मिला लें। मसाला बहुत ही स्पाइसी दिख रहा है, देखिए। मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है, अब इसमें शाही बिरयानी मसाला डाल दें और चिकन मसाला भी इसमें 2 चम्मच डालें और दोनों को अच्छे से मिला लें। मसाला फ्राई हो गया है, अब इसमें अंडा डालें। अंडे को बीच बीच से काट लिया है जिससे कि उसमें थोड़ा मसाला अंदर जाएगा, अंडे के अंदर मसाला जाएगा, तो एक एक करके अंडा का डालें जिससे कि अंडा टूटे नहीं। धीरे धीरे अंडे को डाल के हल्का से चलाएं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, 10 मिनट लगता है बनाने में ये एक बिरयानी। खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। अभी अंडा भी फ्राई हो गया है, अब इसमें हम बासमती राइस धो के रखे हैं वो डाल देंगे।
धीरे धीरे बासमती राइस को डालें। उस बस राइस को भी अच्छे से धीरे धीरे चलाएं, नहीं तो अंडा टूट जाएगा। अब इसमें 4 ग्लास पानी डालें। ये ग्लास से 4 ग्लास पानी डालें। इसको हल्के हाथ से धीरे धीरे मिलाएं। अब इस पे धनिया पत्ता और 1 चम्मच घी डाल के कुकर को बंद कर दें। 1 सीटी लगने के बाद गैस ऑफ कर दें। बिरयानी तैयार है, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है देखने के लिए। बिरयानी को प्लेट में निकालें और रायता के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए बिरयानी बना के, देखें घर पे।